हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और मिरर में भी मैं दिख रही हूँ। एंड गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का हो रहा है 9:30 और मैंने नहा लिया है। बस मैं पूजा करने जा रही थी, सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेते हैं। और हमारे घर में तो देखिए अभी लोग वर्क सो के ही नहीं उठे, देखो ठीक से। बस जस्ट अभी सो के उठाइए और उठते के साथ ही इनका टीवी स्टार्ट हो गया है। देखिए बस इनका टीवी स्टार्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, और अब मैं पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद फिर मैं पहले करूँगी मैं पूजा। पूजा करने के बाद फिर चाय बनाऊँगी। और आज है वेनसडे। सो मैंने बाल धोए थे अपने। सो बाल अभी मेरे गीले हैं और ये मेरे बाल थोड़े से बड़े हो गए हैं जो मैंने कटिंग की थी, और ना वाइट भी दिखने लग गए। देखिए आपको दिख रहा है मेरे बाल ना वाइट भी दिखने लग गए, ये देखिए। सो मेरे को भी ना कलर करना है। मार्केट जाने का रोज़ सोच रही हूँ पर जा ही नहीं पाती, क्योंकि बिल्कुल ऐसा डर है मन में जाने के लिए। सोचते हैं पर रह जाते हैं, नहीं जा पा रही हूँ। पर मार्केट में मुझे बहुत सारा सामान लाना है, मेरा सारा सामान ख़त्म हो गया मेकअप वगैरह का। सो सोच रही हूँ मैं जाऊँ मार्केट थोड़ा सा शॉपिंग कर। अब कब तक नहीं जाएंगे हम, जाना तो भाई पड़ेगा। अब सामान लाना है तो जाना पड़ेगा बाहर। सो चलिए फ्रेंड्स, मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। बाय बाय। दूध वाला। सो ये इधर एक चूल्हे पर बन रहा दलिया और एक मेरी चाय बन के रेडी हो चुकी है। सो आ जाइए फ्रेंड्स चाय पीने के लिए। सो फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता हो चुका है, मेरा नाश्ता हो गया है। बच्चों को मैंने दूध दे दिया है, उन्होंने दूध पी लिया दोनों ने। बस अब मैं थोड़ी सी लंच की तैयारी करूँगी। पहले बच्चों को नहलाऊँगी, फिर उसके बाद लंच की तैयारी करूँगी। और कितनी तेज़ धूप हो रही है, मतलब कभी तो एकदम ऐसा अच्छा मौसम होता है कि ऐसा लगता है कि अभी बारिश पड़ जाएगी, और फिर एकदम से इतना तेज़ धूप निकलती है, इतनी गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मैंने ये बाल अपने सूख गए थे मेरे बाल, सो मैंने ये बांध लिए, क्लचर लगा लिया, कि गर्मी में ना बिल्कुल भी बाल अगर जरा से भी खुले रह जाते हैं तो ना इतनी गर्मी लगती है, चुभते हैं बाल बहुत बुरी तरह से। सो बस अभी मैं बच्चों को नहलाऊँगी, नहलाने के बाद फिर लंच की तैयारी करूँगी और देखते हैं क्या बनाते हैं लंच में। पतिदेव की फरमाइश आई है कि भाई सही पनीर बनाओ, क्योंकि पनीर रखा हुआ है। कल लाए थे ये पनीर, कल इनका फास्ट था तो फिर मैंने बनाया नहीं। बन का इनका व्रत है तो ये खाएंगे नहीं, तो मतलब नमक मिर्ची नहीं खाते तो फिर सादा खाना खाते हैं, तो वही मैंने बनाया था। और देखते हैं क्या बनाते हैं। पनीर बनाऊँगी तो रेसिपी शेयर कर पाई तो करूँगी, नहीं वैसे मैं 2-3 बार अपनी रेसिपी शाही पनीर की कर चुकी हूँ मैं शेयर। वही बनाऊँगी क्योंकि मेरे बच्चों को वही पसंद आता है शाही पनीर, सो मैं वही बनाऊँगी। ये देखिए ये आ गया, इसको नहलाऊँगी। ये आ गया, इसको नहलाने के लिए जा रही हूँ। हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो शर्मा आ गई मेरी बेटी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या बनाते हैं लंच में। चलिए मैं बच्चों को नहला देती हूँ। अगर मेरा वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। और कहीं कुछ हो गया है नीचे, देखती हूँ मैं। बाय बाय।